दोस्तों आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि राहुल भाई ब्रॉक लेसनर के ऊपर वीडियो बनाओ, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कब होगा और ब्रॉक लेसनर का मैच फ्यूचर में किसके साथ होगा और मैं ब्रॉक लेसनर का मैच किसके साथ देखना पसंद करूंगा, ये सब आपको पता चलेगा आज की वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों अगर हम बात करें ब्रॉक लेसनर की, तो ब्रॉक लेसनर का लास्ट मैच हमें इस साल के समर स्लैम में देखने को मिला था, जो कि कोडी रोड्स के साथ हुआ था, जिसमें WWE ने कोडी रोड्स को जितवाकर इनकी राइवलरी का एंड किया था, जो कि रेसलमेनिया 39 के बाद से शुरू हुई थी। दोस्तों ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स की राइवलरी में हमें टोटल 3 मैच देखने को मिले थे, जिनमें से 1 मैच ब्रॉक लेसनर ने जीता और 2 मैच WWE ने कोडी रोड्स को जितवाए, ताकि कोडी रोड्स फ्यूचर स्टार बन सके। दोस्तों इनकी राइवलरी के लास्ट मैच समर स्लैम के बाद से हमें ब्रॉक लेसनर WWE में देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि बीच में न्यूज आई थी कि क्राउन जुअल में हमें ब्रॉक लेसनर का एक मैच और देखने को मिल सकता है, लेकिन एक रिपोर्ट्स के हिसाब से ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में चोटिल हो गए थे, जिसके चलते ब्रॉक लेसनर का मैच हमें क्राउन जुअल में देखने को नहीं मिला। लेकिन दोस्तों हाल ही में डेव मेल्जर ने बताया कि ब्रॉक लेसनर हमें अगले साल रॉयल रंबल 2024 के आसपास रिटर्न करते हुए देखने को मिल सकते हैं, और कुछ न्यूज और रिपोर्ट्स के हिसाब से ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बाद ब्रॉक लेसनर का नेक्स्ट मैच हमें गुंथर के साथ देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी तगड़ा मैच होगा। लेकिन दोस्तों सही बताऊं तो मैं इस मैच को देखने के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूं, क्योंकि सबको पता है अगर ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच होगा तो WWE गुंथर को तगड़ा दिखाने के लिए ब्रॉक लेसनर को एक बार फिर से हरवा देगी, जैसे कि WWE ने जॉन सीना के साथ किया सोलो सिकुआ से हरवा कर। दोस्तों मैं तो WWE से यही कहूंगा कि न्यू सुपरस्टार को तगड़ा दिखाओ, लेकिन लेजेंड्स के रिकॉर्ड को खराब मत करो। एक दो मैच अगर लेजेंड्स हार जाए तो चलता है, लेकिन बार बार लेजेंड्स को हरवाना किसी भी एंगल से सही नहीं लगता, मैच प्रिडिक्टेबल लगते हैं। दोस्तों मैं तो चाहता हूं कि WWE ब्रॉक लेसनर का नेक्स्ट मैच सेथ रॉलिंस के साथ करवाए और ब्रॉक लेसनर को कुछ टाइम के लिए न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी बनाए, ताकि न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की वैल्यू बढ़े, फिर उसके बाद चाहे सेथ रॉलिंस को फिर से जितवा दे। दोस्तों सेथ रॉलिंस ने न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने के बाद काफ़ी तगड़े तगड़े मैच दिए हैं, लेकिन फिर भी न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की वैल्यू नहीं बढ़ी है। अभी भी सबका ध्यान वर्ल्ड टाइटल के रूप में रोमन रेंस की चैंपियनशिप पर ही जाता है। तो दोस्तों न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को तगड़ा दिखाने के लिए और उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए WWE को न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को कुछ टाइम के लिए किसी लेजेंड्स के हाथ में देना होगा, और इस हिसाब से देखा जाए तो ब्रॉक लेसनर न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं।